This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, शुक्र अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको SEO एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के इस 21st बैच के लेक्चर नंबर 12 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रीवियस 11 लेक्चर्स में जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है तो आप लोग क्वेश्चन आंसरिंग के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हो, इंशाल्लाह आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। वालेकुम सलाम नबील, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, आप सुनो ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बस वालेकुम सलाम जाफर, क्या हाल है? ठीक हो? मैं डोमेन में लॉगिन हो जाऊं, बेसिकली वर्डप्रेस में लॉगिन हो जाऊं, लास्ट टाइम किया था। माशाल्लाह गुड। कि आप लोगों को जो है वो इम्पोर्टेंट प्लगइन्स का मैंने बता दिया था और ये एक अपडेट आई हुई, क्योंकि वेबसाइट का बैकअप लेना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी है, उसके लिए हमने प्लगइन किया है WP-DB मैनेजर। और मैं कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म लगा दिया था, अबाउट अस प्राइवेसी पॉलिसी आप रेडस लिखवा लो या खुद लिख लो, क्योंकि ये दो पेजेस भी जरूरी है, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस। XML साइड में हमने उस दिन कॉन्फिगर कर लिया था। हेडर फुटर का मैं बताता हूँ, जब भी आपको लाइक गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाना होता है ताकि हम विजिटर को चेक कर सकें, ट्रैक कर सकें, तो उसके लिए हम लोगों को गूगल एनालिटिक्स लगाना होता है, और एनालिटिक्स का कोड जो है वो लाइक हम लोग लगाते हैं अपेयरेंस में जाके, बट हमने ये एक प्लगइन कर लिया, ये प्लगइन के जरिए हम लोग इजीली हेडर में या फुटर में अपना मर्जी का कोड लगा। यहाँ पर हम अगर हमने कोई कोड हेडर में लगाना है तो यहाँ पर लगाएंगे। वालेकुम सलाम आकिब, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा, ये हो गया हमारा लाइक हमने इस प्लगइन को इसलिए इंस्टॉल किया कि हमें डिफिकल्ट जो कोडिंग है उससे बचना, उस
से हम बच जाए, हमें बेसिकली कोडिंग में न जाना पड़े। ठीक है, एक प्लगइन और शेयरहोलिक के नाम से है, ये आप लोगों ने जरूर करना है। शेयर ये यूजर को अलाउ करता है कि वो हमारी पोस्ट आगे शेयर कर सके। अच्छा किया आखिर, क्योंकि आप में से किसी की भी असाइनमेंट तब तक अप्रूव नहीं होगी जब तक आप SMRush की स्क्रीनशॉट्स में असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 2 में ऐड नहीं करोगे, और जब तक वो नहीं ऐड करोगे एक्चुअली आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपने अपना जो 70% वर्क है वो क्या करना कैसे है। ठीक है, SMRush अरेंज कर लिया है, बहुत अच्छा किया है, गुड। हाँ वैसे माशाल्लाह काम करने वाले हो आप, सही मेहनती हो, अलहमदुलिल्लाह। अच्छा ये सारे प्लगइन हमने इंस्टॉल कर लिए हैं, एक्टिवेट भी कर देता हूँ। बहुत अच्छा किया नबील, उसके बगैर गुजारा नहीं है। बेसिकली जब पहली पोस्ट करेंगे तो पहली पोस्ट करते वक्त मैं आप लोगों को ऑन पेज एसईओ के बारे में बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ आपने कैसे करना है, यानी कि आपने जब भी अपना आर्टिकल पब्लिश करना है आपको ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और वो इसलिए जरूरी है कि जब तक हमारी वेबसाइट में जो आर्टिकल है ऑप्टिमाइज होके पब्लिश नहीं होंगे तब तक हमें फायदा नहीं है बेसिकली। और हमें देखना होता है कि लाइक हम लोग जो जो आर्टिकल पब्लिश करें ऑप्टिमाइज होगा तो उसे सर्च इंजन की ट्रैफिक मिलेगी और हमारे लिए काम करना भी आसान हो जाएगा। नहीं बेसिकली दुनिया में ये चार टूल्स हैं, SEMrush, मोज, मैजिस्टिक, Ahrefs। टॉप ऑफ द लिस्ट है मैजिस्टिक, दूसरे नंबर पे SEMrush, तीसरे नंबर पे Ahrefs, फोर्थ नंबर पे मोज। ठीक है, जो SEMrush है वो दूसरे नंबर पे है, Ahrefs तीसरे नंबर पे आता है। आपको सबसे ज्यादा जो
सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा बेटर है वो एक्चुअली मैजिस्टिक है, उसके बाद एसएम रश है, उसके बाद ये चरण है। बाकी यहाँ पर हर बंदा अपने हिसाब से चीजों को लेके चल रहा है, और मैंने जिस चीज को देखा है मैंने चीजों को उसी तरह फेस डाउन किया है एक्चुअली। आपने राइटर के साथ कम्युनिकेट करना है, बेसिकली राइटर को कहना है हाय जैनी, काइंडली राइट दिस आर्टिकल्स ऑफ 700 वर्ड्स कीवर्ड हाउ टू मेक नीच उंट। अब आपने इसके बाद दूसरा कीवर्ड देना है, कीवर्ड नंबर नीचे आप साथ जो मेंशन करोगे राइटर के आपने राइटर के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उसको आर्टिकल लिखने के लिए देना है। जब आपको आर्टिकल लिखे हुए आएंगे एक्चुअली, तो मैं एक साइड से आर्टिकल उठा लेता हूँ अभी, ताकि आप लोगों को जस्ट ऑन विद एसईओ बता सकूँ कि होती कैसे। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट नहीं करना, कोई कंटेंट मशीन टाइप सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना, उसकी वजह के सारे ब्लैक हैट काम करते हैं आपका। टाइम और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ फर्जों में मैं तो अभी ये एक तरह का कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना। डाल दिया, जैसे जैसे राइटर ने आपको आर्टिकल देना है आपने एज इट इज। तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में आर्टिकल आएगा, आपने एज पेस्ट करना है, टाइटल वाली जगह टाइटल पुट करना है, डिस्क्रिप्शन वाली जगह ये हमारे
आर्टिकल की फर्स्ट 150 पैराग्राफ में मौजूद होना चाहिए, यानी कि जो हमारा फोकस कीवर्ड है वो पहले 150 वर्ड्स में आएगा तो हमें रैंकिंग ज़्यादा जल्दी मिलेगी। अच्छा, इसमें पहले एक कीवर्ड डेंसिटी आया करता था, कि कीवर्ड डेंसिटी देखी जाती थी कि एक 500 वर्ड के आर्टिकल में 2 से 3 दफ़ा कीवर्ड का ऐड करवाना ज़रूरी होता था। अब ऐसा नहीं करना, नेचुरल वे में आपने आर्टिकल लिखवाना है। राइटर को ये बेसिकली हम जो है जो हमारा फोकस कीवर्ड होता है वो राइटर आपके साथ जब बार बार काम कर रहा होता है आपने उसको एक दफा बताने के बाद पहले 150 वर्ड्स में हमारा मेन कीवर्ड आना चाहिए। ठीक, तो अब बेसिकली जब हमारा मेन कीवर्ड आ जाता है यहाँ पे और टाइटल में हमारा मेन कीवर्ड आ जाता है मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन। ठीक है,
ये दोनों में आ गया। उसके बाद हमें ऑन पेज एसईओ कंप्लीट करने के लिए हम इमेज चाहिए होती है, हम अनसप्लैश इमेज अनसप्लैश से, यानी कि हमें बेसिकली रॉयल्टी फ्री इमेजेस की साइट से इमेज लेना होती है, जैसे कि अनसप्लैश, पिक्चरबी, pixabay.com। यहाँ तक बाईसेंस स्क्रीन क्लियर है। अच्छा, बीच में मैं आवाज़ खुद ही बंद कर देता हूँ तो बाकी का शोर आने लग जाता है, तो उस वजह से, यानी कि एक ऑन पेज एसईओ करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, हो जाए इमेज डाउनलोड हो जाए।
लगा रहा यार। मेरे पास नहीं था। डाउनलोड हो गया। इसका हम निकालते वेबसाइट में ऐड करना है।
शाम क्या हालत चाहेंगी? ठीक है, जैसे इमेज अपलोड होगी अभी तक ये अपलोड नहीं। में पब्लिश कर दिया अलग। इमेज का जो साइज है वो काफी बड़ा है, टाइम लग रहा है इसको। आपने तब भी आर्टिकल पब्लिश करना होगा, चाहे आप एक आर्टिकल करना चाहे, चाहे 50 चाहे 500 चाहे 5000 चाहे 50,000, हर आर्टिकल को आपने अपने गैलरी में पब्लिश ऑप्टिमाइज करके अपलोड करना है ताकि हमारी वेबसाइट आ सके। हमने जो शेयर है हॉली किया, उसका काम है कि वो यूजर करके आप लगिन के वो चीज की सहूलत है कि वो यूजर जो हमारी वेबसाइट के अंदर आर्टिकल है उनको
यार फ्रेंड सर्कल के साथ, तो ये एक प्लस होता है कि यूथ को हम आजादी देते हैं अपनी मर्जी। आर्टिकल खानापुरी के लिए लिखा गया हो कि 700 वर्ष पूरे और हमारा काम ऐसे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल जो है वो अच्छा, बहुत से लोग मैंने देखे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर साइटें खड़ी कर देते हैं मगर उनको फायदा नहीं होता उन प्रोजेक्ट से। अब वो फिर मुझसे पूछते हैं कि सर ये मसला है, इस क्या हाल है। फिर मैं एक्साइट को उसके एनालिसिस बताता हूँ। एक्चुअली उसको ये मसला है, आर्टिकल रहता हूँ कि आप थीम का मसला है, नेविगेशन का मसला है, हल आते हो बेसिकली क्या हमने वो सादा अंदाज प्रोफेशनल एटीट्यूड एडसन की साइड अपनी प्रोडक्ट या सर्विस है तो बेसिकली पता होना चाहिए हैंडल करना है। जब उसके बाद आप के जो साइड में वो उसको आप साइड में अपने ठीक है उसके बाद अपने जीमेल से बेसिकली तो जो कोड मिलता है लगा कोई मेंशन होता है जब हम वेबसाइट को वेरीफाई करवा लेते हैं उसके बाद साइट मैप का पूरा यूज ले लो। जब मैंने अपने साइट में सबमिट करवा दिया है बेसिकली आप लोगों ने भी जो भी आप लोग
साइट होगी जब आपने पहला आर्टिकल अपनी प्रैक्टिस को देखते हुए आपने अपना आर्टिकल वेबसाइट को सबमिट करवाना है, और ये वो उसके बाद आ जाते हैं एथिक्स की तरफ, एथिक्स और क्योंकि अब हमारी रक्षा लगा होना बहुत जरूरी है। आप लोगों को वॉइस इशू आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे ताकि नेट का जो समझ आ सके। कोई सवाल है तो वो कर सकता है, अदरवाइज इसको हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।